अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। डीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों आज आप लोग यहाँ अपने दिल्ली प्रदेश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता रहा इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित हुई, किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में वह देश के अधिकांश राज्यों में भी और आपके दिल्ली में भी ज़्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही रही, लेकिन केंद्र में खासकर केंद्र में कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में पूरे देश में ना तो गरीब लोगों की गरीबी दूर हो पाई ना ही बेरोजगार लोगों को बेरोजगार थे न रोजगार मिले और जो अन्य मेहनत का स्रोत हैं तो उनकी भी जरूरतें पूरी नहीं। तो समाज के हर वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग हमें सभी परेशान नजर आए और इतना ही नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत खासतौर से समाज के जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए आरक्षण व अन्य जो जरूरी सुविधाएं दी तो उसका भी पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं मिल पाया। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो पूरे देश से और खासतौर से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और बिहार जो दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए राज्य हैं जब वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर सत्ता ले रही है, लेकिन जब वहाँ उन लोगों को रोटी रोटी के साधन नहीं मिले तो फिर लोग बड़े पैमाने पर तो सर समाज जैसे जो गरीब लोग हैं बेरोजगार लोग हैं तो बड़े पैमाने पर रोटी रोटी के लिए देश के बड़े बड़े महानगरों में जाकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की हुकूमत में तो लोगों ने अप्लाई किया, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर लोग आकर गए और पूरे देश में वैसे तो समाज के हर तरफ के लोग ही दुखी थे, लेकिन
जो दलित आदिवासी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो आजाद भारत में जब पहली सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो देश के पहले कानून मंत्री बने। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो पंडित नेहरू को ये कहा था कि मैंने अपने लोगों को जो कानूनी अधिकार दिलाए हैं, तो उनका पूरा लाभ मेरे लोगों को नहीं मिल पा रहा। और इसके साथ ही जिनको आज हम जयपुर तलाक के नाम से जानते हैं, या अति पिछड़े वर्ग के नाम से जिनको हम पुकारते हैं, तो उनके लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान के तहत उनको भी तो दलितों आदिवासियों की तरह शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण व अन्य और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो कानूनी अधिकार इन्हें मिले हैं, उसका पूरा लाभ इनको मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय कांग्रेस की सरकार के ऊपर काफी दबाव बनाते रहे, लेकिन सेंट्रल की गवर्नमेंट ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना। और नतीजा क्या हुआ, तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश में अपने लोगों को ये कहा, उनको ये सलाह दी कि यदि आप लोग भारतीय संविधान के तहत कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद लेनी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी इस देश के जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, मुस्लिम अन्य अकीर समाज के लोग हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था। तो लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तो जीते जी तो जिन लोगों ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थोड़ी बहुत बात मानी, लेकिन उनके देहांत के बाद तो जो भी पार्टी बनी थी, रिपब्लिकन पार्टी या अन्य जो भी संगठन बने थे, उनके देहांत के बाद वो सारे के सारे खत्म हुए। कांग्रेस पार्टी ने अन्य विरोधी पार्टियों में एक एक करके तो खत्म कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट थी, तो वो फिर मझधार में ही लटकी रह गई। तो उस समय फिर हमारे बीच में माननीय श्री कांशीराम जी आए और उन्होंने फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को ठीक प्रकार से समझा। और समझने के बाद पहले बामसेट बनाया, फिर DS4 बनाया, और जब लगा कि लोगों में अब राजनीतिक चेतना पैदा हो गई है, तो तब फिर माननीय श्री कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया। तो ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन माननीय श्री कांशीराम जी तो दिल्ली जो देश की राजधानी है, अब तो ये स्टेट भी बन गया है, लेकिन जो दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे अधिकार को दिल्ली को स्टेट होने के नाते अभी नहीं मिले हैं, लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है और यहाँ पर हमारा पार्टी का हेड ऑफिस भी है, और यहीं से मूवमेंट शुरू हुआ था। हालांकि शुरू तो पुणे से किया था, लेकिन ज़्यादातर फिर मूवमेंट दिल्ली से शुरू हुआ, और माननीय श्री कांशीराम जी ने दिल्ली में काफ़ी समय दिया। उन्होंने दिल्ली में
कोई ऐसा ऐसी बस्ती नहीं छोड़ी थी, कोई ऐसा इलाका नहीं छोड़ा था जब उन्होंने पार्टी का नीला झंडा नहीं लगाया था। वो दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में गए, बस्ती बस्ती में गए। आपको बहुत समय दिया आप लोगों को तैयार करने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोग थोड़े चले तो सही, लेकिन बीच में फिर आप लोग इधर उधर बह गए। थोड़े चले आप लोग, लेकिन बाद में फिर आप लोग इधर उधर बह गए और नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर फिर कांग्रेस पार्टी पावर से सत्ता से भाग गई, बीजेपी आ गई। फिर उसके बाद करप्शन के नाम पर तो अन्ना की आड़ में जिन्होंने आंदोलन चला उसका फायदा उठाकर इधर फिर आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन दूसरी पार्टियां इधर आ गई और आप लोग अपनी इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ विधायक जरूर पिछले चुनावों में एक दो चुनावों में चुनकर आए, लेकिन सत्ता तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब तक आप लोग केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में नहीं लेंगे तो तब तक आप लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और आप लोगों ने जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं उनका शासन काल आप लोगों ने आजमाया है, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार के रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाए और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन संप्रदाय व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यह पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व्यवधान आदि नहीं हो सका है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। आपका आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। दिल्ली की भी यही स्थिति है, इनका पदोन्नति में आरक्षण
अभी भी आप प्रभाव ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में राज्यों में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाधिपतियों को ही किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी हम काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद फैल हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में या अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अभी हम पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब बीजेपी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में इसे भुनाने में ही लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके तो वो फिर से केंद्र में आने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव के दौरान या सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर
बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही ज़्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपये के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय, बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी BSP की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में BJP की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है। और इन्हें हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हें जरूरी बातों के साथ ही यहाँ पर इस बार हमें केंद्र में इनको, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इनको हमें केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। मैं तो दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली में आकर बसे हैं रोटी रोजी के लिए, बिहार से भी, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, हरियाणा से भी। यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं उनकी तादाद तो फिर भी कम है, बाहर के लोगों की तादाद इधर बहुत ज़्यादा है। मेरे तो जो बाहरी लोग रोटी रोजी के लिए इधर आकर बसे हैं उनसे भी और मूल निवासियों से भी ये कहना है कि यदि आप लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली में आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आप लोगों को तो बहुजन समाज पार्टी का, खासकर उत्तर प्रदेश में या आसपास के राज्यों में जिस प्रकार से BSP का जनाधार तेजी से बढ़ा है, और इस बार चुनाव में तो खास उत्तर प्रदेश में तो BSP की जबरदस्त लहर है। उत्तर प्रदेश में यहाँ अकेले 80 लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ पर कांग्रेस की तो हालत खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी के तो सभी छोटे बड़े नेता अब वहाँ पर तो 2 चरण के चुनाव बच चुके हैं। 1 चरण का चुनाव का प्रचार आज खत्म हो जाएगा, 1 चरण बचेगा। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई हुई है, पूरी ताकत झोंकी हुई है और पूरा प्रयास करने में लगे हैं किस तरीके से गठबंधन को जीतने से रोका जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। उत्तर प्रदेश में वहाँ सरकारी मशीनरी का भी, वहाँ उनकी सरकार है तो सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया है, केंद्र का भी, स्टेट का भी। लेकिन मुझे वहाँ पर सर्व समाज के लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि अब परिवर्तन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में
अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पावर में आने वाली नहीं, अब इनके अच्छे दिन जा चुके, इनके अच्छे दिन अब जा चुके हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, अब बुरे ही दिन इनके आते आने वाले। वैसे तो आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा कि प्रधानमंत्री का इधर प्रोग्राम था, तो और भी नेताओं के प्रोग्राम रहे, लेकिन इनके चेहरे की जो उनके चेहरे अब लटके हुए हैं, उनके चेहरों की हवाइयां ये बता रही हैं। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का चेहरा बिल्कुल लटक गया है, और वो जितने जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे अपने विपक्ष को गाली गलौज करने में, जितने भी वो नीचे स्तर पर गिर सकते थे वो गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास सत्ता में वापस आने वाले नहीं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के आसपास के राज्यों की तरह जब वहाँ पर परिवर्तन की लहर चल रही है तो वहाँ के ही लोग इधर दिल्ली में ज़्यादातर बसे हैं, तो आपको भी उस परिवर्तन के लहर में आप लोगों को रहना चाहिए, आप लोगों को भी इधर अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यह अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना, जो ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके यहाँ दिल्ली प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा, और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहजी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यह अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। दिल्ली में हम लोग वैसे तो 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हमारी पार्टी के जो जिम्मेवार लोग हैं तो इनके कुछ ढीलेपन रवैये के कारण या इनके सक्रिय ना रहने की वजह से या चौकस ना रहने की वजह से, सतर्क ना रहने की वजह से 2 सीट पर हम लोग उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए। जिनको भी ये लाए तो वो ईमानदारी के मामले में वो ईमानदारी से वो मैदान में नहीं बैठ पाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो स्टेट की कमेटी है तो उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। तो 7 लोकसभा की सीटों में से हम 5 लोकसभा की सीटें लड़ रहे हैं, 5 लोकसभा की सीटों पर हमारी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। हमने चांदनी चौक लोकसभा की सीट से तो मुस्लिम समाज से एडवोकेट शाहिद अली को चुनाव के मैदान में उतारा है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से तो हमने अपर कास्ट समाज में से श्री राजवीर सिंह को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इनके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये BSP से जुड़े हैं तो इनको मैं किधर भी किसी भी स्टेट में पार्टी के कार्य में लगाती हूँ तो ये पूरे जी जान से लग जाते हैं। हालांकि मैंने ये सोचा था कि इनको उत्तर प्रदेश से इनको जिताकर लाया जाए, लेकिन काफ़ी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इनका कारोबार है,
तो काफी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि इनका कारोबार भी डिस्टर्ब ना हो, कारोबार भी चलता रहे और ये राजनीति में भी आगे बढ़ जाए तो इनके लिए दिल्ली ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए कि मैंने उत्तरी पूर्वी दिल्ली से श्री राजवीर सिंह को हमने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। पूर्वी दिल्ली से हमने श्री संजय गहलोत को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी दिल्ली से श्री सीता शरण सेन को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। दक्षिणी दिल्ली से एडवोकेट सिद्धांत गौतम को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप लोगों से पुरजोर ये अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन पांचों प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। ऐसी मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील भी है और अब इन्हें आप लोगों को रात दिन मेहनत करके जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के इन सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है, तो आपको हर मशीन में हाथी चुनाव चिन्ह मिलेगा। दो लोकसभा की सीट को छोड़कर जो ये पांच लोकसभा की सीटें हैं, तो हर मशीन में आपको हाथी चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वे समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और उसके बाद ही फिर आप लोगों को अपना कोई जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो आज भी मुझे सुनने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में पहुँची हैं। मेरी अपनी महिलाओं से ये कहना है कि वोट वाले दिन आप लोग आज ये तैयार करके जाएंगे कि हम अपने घरों में काम काज, कोई भी काम काज है उसको बाद में करेंगे, पहले हम अपने पुरुषों को साथ में लेकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। आप लोगों को सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जरूर जाना। और इसके साथ साथ तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हर पोलिंग बूथ पर, हर पोलिंग बूथ का जो क्षेत्र है वहाँ पर पार्टी के आप लोगों ने कमेटी बनाई है, तो पोलिंग बूथ की कमेटी के लोगों से भी ये कहना है कि उस दिन आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पढ़ने से ना रह जाए। एक एक वोट आप लोगों का पढ़ना चाहिए। आपके जो पोलिंग बूथ की कमेटी है, प्रत्येक पोलिंग बूथ की कमेटी को ये देखना है कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का एक एक वोट जरूर पढ़ना चाहिए, कोई भी वोट हमारा पढ़ने से ना रह जाए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और पूरे जी जान से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोगों को कामयाब बनाना है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ और आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है, तो वहाँ पर हमारा गठबंधन पूरे जी जान से लगा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के, तो मेरा उनसे भी यही कहना है कि आप लोगों को भी अपना एक एक वोट इधर जरूर ट्रांसफर कराना, अपना एक एक वोट अपने बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर देना है। अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं पुनः आप लोगों से बीएसपी के ये जो हमारे पांच उम्मीदवार आप लोगों के सामने खड़े हैं, मैं पुनः आप लोगों से अपील करती हूँ बीएसपी के इन पांचों उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएं।
इनको जरूर जिताए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।